तो देख सकते हैं XRP को हमने बाहर निकाल लिया है और इसका जो बिल्ड क्वालिटी है काफ़ी अच्छा है, इसका फिनिशिंग काफ़ी ज़बरदस्त है, मतलब तारीफ़ करना ही बेकार है, ये अपने आप में एक बेहतर प्रोडक्ट है। दूसरा और चौथा फेडर को जैसे ही आप बढ़ाएंगे तो आपका XRP मूविंग करना स्टार्ट हो जाएगा। तो देख सकते हैं हमारा XRP मूविंग करने लगा है। तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो गाइस, फिर से एक नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है और आज की इस वीडियो में हम लेके आ गए हैं आप लोगों के लिए जिया का 10 XRP लाइट, जिसका मॉडल नंबर है GIJ488। और आज इस वीडियो में हम इसका अनबॉक्सिंग करने वाले हैं और इसका प्राइस भी हम आपको बताएंगे और इसका एक टेस्टिंग भी करने वाले हैं। तो वीडियो में आप बने रहें। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो कर दीजिए लाइक। और चलिए हम वीडियो को ज़्यादा देर नहीं करते हैं, कर लेते हैं स्टार्ट। तो गाइस, सबसे पहले हम अपना XRP को फ्लाइट केस से बाहर निकाल लेते हैं और आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से रहता है फ्लाइट केस के अंदर। और यहाँ पे देख सकते हैं XRP में आपको 2 कलाम दिया गया है। इस कलाम की मदद से आप अपना XRP को ट्रस में आराम से लटका सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा बात है, कंपनी ने ध्यान रखते हुए अभी देना चालू कर दिया, पहले के XRP में नहीं आता था। तो चलिए हम अपना XRP को बाहर निकाल लेते हैं। तो देख सकते हैं XRP को हमने बाहर निकाल लिया है और यहाँ पे देख सकते हैं इसका फ्लाइट केस कुछ इस तरह से रहता है। और यहाँ पे आपको एक बॉक्स देखने को मिलता है बीच में, तो अभी इसमें हम देखते हैं क्या क्या है। तो इसमें एक यूजर मैनुअल था, उसको हमने बाहर निकाल लिया है। और अभी इसमें XLR केबल है और इसमें पावर स्पीकर प्लग देखने को मिलता है। तो चलिए इसको हम बाहर निकाल लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। तो देख सकते हैं हमने बाहर निकाल लिया है और भी नीचे है इसमें, और एक इसमें सेफ्टी वायर दिया गया है, देख सकते हैं सिल्वर कलर में। और ये इसलिए दिया गया है कि अपना XRP को आप ट्रस पर लटकाते हैं तो उस टाइम अपना XRP को लॉक कर सकते हैं, तो ये काफ़ी अच्छा बात है, आपका XRP गिरेगा ही नहीं। तो फाइनली गाइस, ये हमारा XRP देख सकते हैं और काफ़ी प्यारा सा लुक है। और सबसे पहले मैं आपको इसका क्लोज लुक दिखा देते हैं। और आज के इस वीडियो में हम इस वाला XRP को DMX से चला के आपको दिखाएंगे और जो भी सेटिंग रहेगा वो भी हम आपको बता देंगे। और अगर आप कमेंट करेंगे कि इस वाला XRP को अलग अलग कलर में हम कैसे चलाते हैं और इसको मूविंग हम कैसे कराते हैं, तो उसका भी हम वीडियो एक अलग से लेके आएंगे सेटिंग का। और देख सकते हैं फाइनली कुछ इस तरह से लुक है इस XRP का। इसका जो बिल्ड क्वालिटी है काफ़ी अच्छा है, इसका फिनिशिंग काफ़ी ज़बरदस्त है, मतलब तारीफ़ करना ही बेकार है, ये अपने आप में एक बेहतर प्रोडक्ट है। और यहाँ पर देख सकते हैं साइड में J488 इसका मॉडल नंबर दिया गया है। और ओवरऑल इस XRP का डिज़ाइन मुझे बहुत ही पसंद आया और आप ज़रूर हमें कमेंट करके बताएं कि इस वाला XRP का आपको डिज़ाइन मॉडल कैसा लगा। यहाँ पे देख सकते हैं XRP पे आपको जिया का ब्रांडिंग दिया गया है, काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। और जिया जो कंपनी है वो मेड इन चाइना है। यहाँ पे देख सकते हैं, आपको हम पास ले लेते हैं, मेड इन चाइना यहाँ पर पंच किया गया है, तो आप इंडियन इसे ना समझें, मेड इन चाइना है। यहाँ पे देख सकते हैं DMX का इनपुट XLR में दिया गया है और ठीक इसका बगल में DMX का आउटपुट भी दिया गया है। और यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी ने फ्यूज भी दिया है इस XRP के अंदर, तो ये काफ़ी अच्छा बात है। और यहाँ पे आपको पावर का सॉकेट दिया गया है और इस XRP को 220 से 240 वोल्ट पर आप चला सकते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं इसका पावर ऑन ऑफ का स्विच है। और कभी भी XRP को आप पावर ऑन करें तो उसका वोल्टेज चेक कर लें और सेफ्टी के लिए स्टेबलाइजर ज़रूर लगाएँ। और यहाँ पे देख सकते हैं वेंटिलेशन दिया गया है, ये इसलिए दिया गया है कि अगर आपका XRP चलते टाइम हीट हो जाता है तो यहाँ से आपका हीट बाहर निकल जाएगा। और इसका बैक पैनल आपको दिखा दिए, यहाँ पे देख सकते हैं इसका फ्रंट पैनल है। और यहाँ पे देख सकते हैं 2 इंडिकेटर्स दिए गए हैं, एक है DMX का और एक है ऑडियो का। और ये वाला जो XRP है इसे आप बिना DMX के भी चला सकते हैं किसी भी ऑडियो सॉन्ग पर। और यहाँ पे छोटा सा जिया का ब्रांडिंग दिया गया है। और ये वाला जो है गाइस, ये डिस्प्ले है इसका जो कि टच डिस्प्ले है, आप इसे हाथ से भी टच करके सेटिंग कर सकते हैं। और इसका बगल में यहाँ पे देख सकते हैं अप और डाउन वॉल्यूम बटन भी दिया गया है, ये पुश बटन भी है, इससे भी आप सेटिंग कर सकते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं गाइस, एक लॉक दिया गया है, तो लॉक को आपको खोल लेना है, उसके बाद ही XRP को पावर ऑन करना है। और लॉक खोलने के बाद आपको कुछ इस तरह से आपको चला के देख लेना है कि हमारा XRP चल रहा है कि नहीं। और एक और लॉक है, वो भी हम आपको दिखा देते हैं। तो गाइस, यहाँ पे देख सकते हैं एक और लॉक दिया गया है, तो इसे भी हम खोल लेते हैं। और कुछ इस तरह से आपको XRP को घुमा के देख लेना है कि हमारा XRP घूम रहा है कि नहीं। अगर आप लॉक नहीं खोलते हैं और पावर ऑन कर देते हैं तो आपका XRP ख़राब भी हो सकता है। तो गाइस, यहाँ पर देख सकते हैं इस XRP का लेंस जो कि बहुत ही बड़ा है। और ये वाला जो XRP है ये 10R है और इसका जो लाइट का रेंज है वो 5 किलोमीटर तक दूर जाता है, हमने इसको टेस्ट किया हुआ है। तो गाइस, यहाँ पे है इसका पावर सॉकेट, तो इसमें हम पावर स्पीकर लगा लेते हैं दोनों XRP में।
तो देख सकते हैं हमने एक में लगा लिया और दूसरा में भी लगा लेते हैं। और इस आरपी को चलाने के लिए हम जिया का ही डीमैक्स लिए हैं। देख सकते हैं यहाँ पे जिया का ब्रांडिंग है और मॉडल नंबर इसका है J191। आप किसी भी कंपनी का भी ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं डीएमएक्स का आउटपुट दिया गया है, तो यहाँ से हम एक आउटपुट ले लेते हैं। इसमें हम अपना केबल लगा लेते हैं, देख सकते हैं। और दूसरे साइड का जो हमारा केबल है वो जाएगा हमारा सारपी में, और दूसरे साइड का जो हमारा केबल है वो हम सारपी में इनपुट कर देंगे, देख सकते हैं आप। और इसी सारपी से हम आउटपुट लेंगे और दूसरा वाला सारपी में हम इनपुट कर देंगे। तो एक और केबल ले लेते हैं, देख सकते हैं। यहाँ से हम आउटपुट ले लेते हैं और इस वाला सारपी में इनपुट कर देते हैं। तो चलिए इन दोनों सारपी को हम एड्रेसिंग कर लेते हैं, उसके बाद आपको हम चला के दिखाते हैं। तो गाइस अभी हम सारपी का पावर ऑन कर लिए हैं और ऑन होने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा और इस सारपी को ऑन होने में लगभग आपको एक मिनट का टाइम लग जाता है। तो चलिए इसको हम 001 के साथ एड्रेसिंग कर लेते हैं, उसके बाद आपको हम दिखाते हैं। तो गाइस देख सकते हैं 001 के साथ हमने एड्रेसिंग कर लिया है और ये सारपी अभी चलने के लिए रेडी है। तो चलिए इसको हम डीएमएक्स के पास चलते हैं और चला के देख लेते हैं। तो गाइस सबसे पहले आपको अपना डीएमएक्स को पावर ऑन कर लेना है, देख सकते हैं हमने पावर ऑन कर लिया है। और उसको बाद आपको करना क्या है कि यहाँ पे देख सकते हैं एक पेज का बटन दिख रहा होगा, पेज वन का और दूसरा है पेज टू का। देख सकते हैं यहाँ पे दो बटन है। तो पेज वन में हमारा सारपी का लैंप आएगा, देख सकते हैं अभी लैंप नहीं आया इसमें। यहाँ पे देख सकते हैं पेज वन में हमारा सारपी का लैंप आएगा। यहाँ पे देख सकते हैं अगर आप दो सारपी चला रहे हैं तो दो बटन को सिलेक्ट करें, वन और टू को। और अभी हम एक सारपी हटा दिए हैं तो वन को सिलेक्ट कर लेते हैं, देख सकते हैं क्योंकि फ्लाइट केस पर अपने में ही सारपी टकरा रहा था, इसलिए हम एक सारपी को नीचे रख दिए। और यहाँ पे देख सकते हैं दूसरा और तीसरा फेडर को आप बढ़ाएंगे तो आपका सारपी में लैंप आ जाएगा। तो देख सकते हैं हमारा सारपी में भी लैंप आ गया है। और अगर आपको इसको मूविंग कराना है वाइट कलर में तो सबसे पहले आपको पेज टू में जाना पड़ेगा और फेडर को नीचे करना पड़ेगा। और दूसरा और चौथा फेडर को जैसे ही आप बढ़ाएंगे तो आपका सारपी मूविंग करना स्टार्ट हो जाएगा। तो देख सकते हैं हमारा सारपी मूविंग करने लगा है। अभी हम इसको अपना साइड में लाते हैं, देख सकते हैं। तो देख सकते हैं हम इसको अपना साइड ला लिए हैं और भी वीडियो हम थोड़ा सा ऐड करते हैं टेस्टिंग का। तो देख सकते हैं इसका दिन में भी लाइट काफ़ी तेज है। तो गाइस आज का ये जो वीडियो है आपको कैसा लगा जरूर हमें कमेंट करके बताएं। और बात कर लेते हैं इस सारपी लाइट का प्राइस का, तो लगभग आपको मार्केट में 60,000 से लेके 62,000 के अंदर ऑल ओवर इंडिया आपको कहीं पे भी ये लाइट मिल जाएगा। तो जब भी आप परचेस करें तो ओरिजिनल परचेस करें। और बात करें इसका रेंज का, तो लगभग आपको 5 किलोमीटर के आसपास इसका रेंज देखने को मिल जाता है। तो काफ़ी अच्छा ये लाइट है, आप इसे ले सकते हैं। इसका बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छा है और इसका परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छा है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, और हमारा चैनल को आप सब्सक्राइब कर दिए, वीडियो को लाइक कर दिए। चलिए हम अगले वीडियो में मिलते हैं बहुत ही जल्द।